अगली खबर आ रही है भोपाल से, जहां पुलिस ने अपने एक इंस्पेक्टर की पत्नी पर केस दर्ज किया है। उस पर कॉन्ट्रैक्टर के अश्लील वीडियो बनाकर 1 करोड़ रुपए की डिमांड करने का आरोप है। पैसे नहीं देने पर वो झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। महिला का साथ देने के आरोप में पुलिस ने उसकी सहेली और 2 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है। पीड़ित कॉन्ट्रैक्टर खुद को पूर्व मंत्री करण सिंह का रिश्तेदार बता रहा है। इंस्पेक्टर की पत्नी ने सहेली की मदद से उसे पार्टी के बहाने बुलाया था, जहां उसके 2 नकाबपोश साथियों ने कॉन्ट्रैक्टर को पीटा, फिर उसके मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट ऐप के जरिए 1.09 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। महिला कॉन्ट्रैक्टर पर रेप केस दर्ज कराने के लिए पुलिस पर दबाव बनाती रही, लेकिन उसकी हरकतों के बारे में जानकारी होने की वजह से पुलिस ने उसका आवेदन तक रिसीव नहीं किया था। भोपाल की खजूरी सड़क थाना पुलिस के मुताबिक चाणक्यपुरी निवासी मुकेश वर्मा कॉन्ट्रैक्टर हैं। वह खुद को भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक करण सिंह वर्मा का रिश्तेदार बताते हैं। मुकेश ने पुलिस को बताया कि उसकी पहचान बेतवा अपार्टमेंट में रहने वाली सोनाली दात्रे से है। सोनाली पुलिस के कई सीनियर ऑफिसर से जुड़ी हुई है। 16 नवंबर को सोनाली ने उसे बर्थडे पार्टी के बहाने कॉल कर न्यू मार्केट बुलाया। न्यू मार्केट में सोनाली के साथ उसकी सहेली आरती ठाकुर भी थी। हम तीनों ने खजूरी सड़क के आकृत एक्जोटिका में 2500 रुपये में एक मकान बुक किया। दोपहर में हम तीनों का शराब पार्टी का दौर शुरू हुआ। पुलिस के मुताबिक मुकेश को इस दौरान जमकर शराब पिलाई गई। नशे में धुत होने के बाद सोनाली ने अपने 2 अन्य साथियों को बुलाकर मुकेश को बंधक बना लिया। शाम 7 बजे मुकेश का जब नशा उतरा तो दोनों लोग उसे पीटने लगे। इसके बाद सोनाली ने कहा कि 1 करोड़ रुपए दो, तुम्हारा अश्लील वीडियो बना लिया है, पैसे नहीं दिए तो वीडियो वायरल हो जाएगा, तुम पर रेप का मामला भी दर्ज कराऊंगी। सोनाली ने कॉन्ट्रैक्टर से मोबाइल छुड़ा लिया, पासवर्ड पूछकर फोन पे के जरिए 3 बार में करीब 1,09,000 रुपए ऑनलाइन अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। बाकी के रुपए देने की धमकी देकर कॉन्ट्रैक्टर को तीनों साथियों के साथ वहीं छोड़कर स्कॉर्पियो से चली गई। मुकेश ने डायल 100 पर फोन कर पुलिस को बुलाया, पुलिस के साथ अस्पताल पहुंचा। इलाज कराने के बाद मुकेश ने पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया। खजूरी सड़क थाना प्रभारी संध्या मिश्रा ने बताया कि मुकेश की शिकायत पर सोनाली दात्रे और आरती ठाकुर समेत 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खजूरी थाना प्रभारी संध्या मिश्रा ने बताया कि सोनाली की सहेली आरती ठाकुर भी पति से अलग रहती है, वह कोकता इलाके में रहती है। सोनाली रेप का केस दर्ज कराने थाने पहुंची थी। मामला संदिग्ध होने की वजह से उसका आवेदन नहीं लिया गया। पुलिस पर दबाव बनाने के लिए उसने सीएम हेल्पलाइन में इसकी शिकायत भी की थी। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।